अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू साथ बीबीसी स्टूडियो। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साथ बीबीसी। बेटर एडिटिंग के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो गाइस, आज की भी हमारी वीडियो काफी ज्यादा फैंटास्टिक, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम आउटडोर पिक्चर्स को इंडोर पिक्चर्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे कि गाइस, ये पिक्चर्स है, ये आउटडोर पिक्चर्स है, इसकी स्किन की रीटचिंग करेंगे, हेयर्स को सेट करेंगे, बैकग्राउंड को चेंज करेंगे। तो आउटडोर पिक्चर्स को इंडोर के अंदर कन्वर्ट करने का जो बेस्ट वे मेथड है, वो आज आप लोगों को वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। तो गाइस, वीडियो के एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जो भाई मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं, जो भाई फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को एक दफा जरूर विजिट करें। अडोब फोटोशॉप की लर्निंग के लिहाज से बहुत ज्यादा फैंटास्टिक वीडियो मैंने यहाँ पर पोस्ट की हुई है। तो गाइस, न्यू वीडियो जब भी मैं पोस्ट करता हूँ, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक कैसे पहुंचेगा, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर देना, क्योंकि जब भी मैं न्यू वीडियो पोस्ट करूँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो गाइज, यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं कि अडोब फोटोशॉप की डेफिनेशन, जो हाई डेफिनेशन की जो एडिटिंग की क्लासेस हैं या वीडियोज है, वो आप लोगों को मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगी। काफी ज्यादा फैंटास्टिक वीडियो है, तो इंशाल्लाह गाइज वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो वीडियो काफी ज्यादा फैंटास्टिक होने वाली है। तो गाइज, यहाँ पर आप लोगों को स्किन की रीटचिंग के ऊपर, लो लाइट के ऊपर, स्किन को डूजीज एंड बर्निंग के ऊपर, स्किन को येलो ग्लोइंग के अंदर किस तरह कन्वर्ट करते हैं, तो ये काफी फैंटास्टिक वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से अडोबी के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी पिक्चर्स को ओपन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर मैंने ये पिक्चर्स ओपन की है। तो गाइज, ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी पिक्चर अडोबी के अंदर आ चुकी है। तो इसके अंदर जो मैंने जैसे कि आप लोगों को बोला कि पिक्चर्स को क्रॉप करेंगे, स्किन को थोड़ा सा रीटच करेंगे और इंडोर के अंदर कन्वर्ट करके जो फिल्टर यूज होते हैं वो भी आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पिक्चर हमारी आ चुकी है, तो इसे मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉप करना है, ठीक है। तो क्रॉप इसको आप इजी वे के मेथड के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जस्ट इसका साइज को विदाउट क्रॉप किए हुए इसे बस क्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। साइज हमारा पूरा रहेगा। तो यहाँ पर मैंने इसे लॉक को अनलॉक करके इसको मूव किया अप डाउन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे यहाँ पर ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम क्रॉप करेंगे, क्रॉप तो हमने कर लिया, अब इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर जो है मैं क्विक टूल सिलेक्शन टूल को लेता हूँ, जो आप इजीली यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से सिलेक्ट नहीं कर सकते क्विक सिलेक्शन टूल, आप सिलेक्ट के अंदर जाए, यहाँ पर सब्जेक्ट के ऊपर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके सब्जेक्ट को जो है सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो बाद का तो अडोबी के अंदर आप लोगों के साथ ये टूल शो नहीं होता, जैसे कि यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ सेलेक्ट सब्जेक्ट, आप सेलेक्ट के अंदर जाके यहाँ पर इजीली सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इजी वे के मेथड के साथ जो है पिक्चर के ऊपर जो है कटिंग कर देगा, ठीक है। तो गाइज, यहाँ पर थोड़ी सी मिसिंग रहती है इसके अंदर, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ग्लासेस के ऊपर है, तो ग्लासेस के ऊपर भी आप इजिली यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये देखेंगे मिसिंग पार्ट को हम प्लस के अंदर जो है कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखेंगे हमने इजीली कवर कर लिया। अब इसके ऊपर जो है हमने सिलेक्ट एंड मार्क्स को यूज करना है, तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट एंड मार्क्स को क्लिक किया। यहाँ पर इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ, मुझे पता चल जाए यहाँ जहाँ से मिसिंग पार्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर मिसिंग पार्ट्स हैं, मुझे पता चल रहा है, जैसे कि ब्लैक करूंगा। ये मुझे बता रहा है कि आप इसी तरह की कैटेगरी यहाँ पर जो है रख सकते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड टूल को मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो हेयर्स के अंदर इजिली यूज करूंगा, क्योंकि ये पीछे से जो वॉल है वो इजीली रिमूव हो जाए और यहाँ पर हम इंडोर बैकग्राउंड के अंदर इसे कन्वर्ट कर सकें। तो वेरी इजी मेथड है गाइस, मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा, तो वीडियो आज की काफी ज्यादा फैंटास्टिक होने वाली है। तो यहाँ पर इजीली जो है मैं यहाँ पर सिलेक्ट एंड मार्क्स कर रहा हूँ, मार्क्स को इसलिए कर रहा हूँ कि इसके ऊपर जो आउटलाइनिंग है वो हमारी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो है आउटलाइनिंग बिल्कुल फिनिशिंग के अंदर बेस्ट है, तो यहाँ पर मैं ओके करता हूँ। ये देखे स्मूथ कंट्रास्ट को ओके किया, ये इजीली मेरी सिलेक्शन हो चुकी है। तो यहाँ पर जस्ट ओनली मैंने कंट्रोल जे करना है, तो ये देखे यहाँ पर इजीली जो है मेरा सब्जेक्ट अलहदा हो चुका है। तो गाइस काफी फंटेस्टिक जो है, ये देखे आप लोग देख सकते हैं कि इजीली मेरा सब्जेक्ट अलहदा हो चुका है। अब इसका बैकग्राउंड हमने इंक्रेज करना है, तो जैसे कि स्टूडियो के अंदर हम ग्रे कलर का बैकग्राउंड यूज करते हैं, क्योंकि वो ग्रे कलर का बैकग्राउंड इसलिए यूज करते हैं कि उसके ऊपर हम कोई भी बैकग्राउंड को पेस्ट करके उसका हम बैकग्राउंड का अलहदा सा लुक जो है जनरेट कर देते हैं, ठीक है। तो आज आपको दो डेफिनेशन जो है बताऊंगा कि कलर वाइज बैकग्राउंड किस तरह क्रिएट करती है और जो बैकग्राउंड आउटडोर पिक्चर का किस तरह हम रियलिस्टिक के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मेरी जस्ट ओनली सादी लेयर रह गई है, जिसको हमने सब्जेक्ट को कटिंग कर ली, यहाँ पर जस्ट ओनली मैंने लेयर लेनी है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है मैंने ग्रे कलर को ड्रॉप करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं ग्रे कलर थोड़ा सा ऐड कर लेता हूँ, ये देखेंगे ग्रे कलर आ चुका है। तो यहाँ पर इजीली इस टूल की मदद से, पेंट टूल बॉल्ट की मदद से यहाँ पर मैं मूव कर देता हूँ, ये हमारा ग्रे कलर हो चुका है, ठीक है। तो ग्रे कलर हमारा यहाँ पर आ चुका है, वेरी इजी सा मेथड है, ठीक है। अब हमने थोड़ा सा शेडो इंक्रीज करना है, तो शेडो इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर मैं ब्रश टूल को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर कलर जो है ब्लैक के अंदर कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। यहाँ पर जस्ट ओनली सादी लेयर एड करूंगा और यहाँ पर जो है
जनरल ब्रशेज के अंदर जाके सॉफ्ट राउंड के ऊपर जो है सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पर गाइज आप लोग वॉच कर सकते हैं कि ये मेरा ब्रश आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर इजीली मैं ड्रॉप करूंगा ये कलर को। अब जो है इस कलर के ऊपर क्लिक करके, यहाँ पर शो दी ट्रांजेक्शन के ऊपर क्लिक करके, यहाँ पर मैं इसे इस तरह का शेप जो है कन्वर्ट कर दूंगा, ये देखिए, ठीक है। तो अब ये जो पिक्चर है हमारी काफी फंटास्टिक जो है इंक्रेज होके हमारे सामने आएगी। इसे जो है मैं थोड़ा सा लो कर देता हूँ, ये देखें, ठीक है। तो ये पिक्चर के अंदर थोड़ी सी क्लेवर लुक जो है ऐड हो जाती है, क्योंकि जब आप लोग शेडो इंक्रीज करते हैं ये रियलिस्टिक जो है आप लोगों के सामने पिक्चर बन के आती है। तो गाइज ये जो है आप इस पिक्चर को, आप जो है आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, ये ग्रे कलर की लेयर को मैं सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल यू करता हूँ, आप इजिली इस कलर को चेंज कर सकते हैं। किसी भी कलर का बैकग्राउंड जो है आप लोग यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इजिली जो है आप यहाँ पर जो है इसे भी चेंजिंग कर सकती हैं, ये देखें, ये आप किसी भी कलर के अंदर यहाँ पर इस बैकग्राउंड को कन्वर्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसका डेफिनेशन, हाई डेफिनेशन जो बैकग्राउंड चेंज करते हैं इंडोर वाले बैकग्राउंड, वो मैं यहाँ पर इंक्रीज करूंगा गाइस। तो यहाँ पर जैसे कि बैकग्राउंड के अंदर आ जाता हूँ, यहाँ पर काफी ज्यादा बैकग्राउंड है, तो हम यहाँ पर कोई भी बैकग्राउंड यहाँ पर अप्लाई करके इस पिक्चर के ऊपर क्लेवर लुक जो है जनरेट करेंगे। तो आउटडोर पिक्चर्स को गाइस इंडोर के अंदर कन्वर्ट करना वेरी इजी मेथड है। तो आप लोगों के सामने इसके ऊपर फिल्टर कैसे इंक्रीज करते हैं वो भी आज आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। तो यहाँ पर जो है हम अच्छा सा कोई भी बैकग्राउंड इंडोर के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं, तो उसे सिलेक्ट करते हुए भी हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो गाइज ये वीडियो काफी ज्यादा फैंटास्टिक होने वाली है, तो जो जो चीजें यूज करूंगा तो गाइज वो भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के लिंक से मिल जाएंगे, वहां पर आप लोग वन क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये बैकग्राउंड है, मुझे ये अच्छा लगा, इसे मैं इजिली मूव एंड ड्रॉप करूंगा, इसे इजिली यहाँ पर ड्रॉप कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये आपकी पिक्चर बिल्कुल रियलिस्टिक लगेगी, ये देखिए, ये थोड़ा सा ऐसा रिव्यू बीच में ऐड कर देंगे तो आपकी पिक्चर के अंदर बहुत अच्छी सी लुक जो है यहाँ पर जनरेट होके आई है। ये देखें रियलिस्टिक लग रही है, बैकग्राउंड चेंज हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसे मल्टी के ऊपर क्लिक करेंगे तो मल्टी के ऊपर ऐसी शेप आएगी, अगर हम सॉफ्ट राउंड के ऊपर क्लिक करेंगे सॉफ्ट राउंड के ऊपर ऐसे आएगी, अगर आप नॉर्मली रहने देंगे तो नॉर्मल के ऊपर ये ही रहेगा। तो काइंडली यहाँ पर हम जो है मल्टी के ऊपर क्लिक करके थोड़ा सा इसको थोड़ा सा लो कर लेते हैं, ठीक है। तो इंडोर के अंदर कन्वर्ट किया, तो इसे जो है हमने स्किन की रीटचिंग करेंगे, स्किन की रीटचिंग करके इसके फिल्टर इंक्रीज करेंगे। तो मिक्सर टूथ ब्रश को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमें इसकी सेटिंग वेट इसकी हमने जो है 21 के ऊपर एडजस्ट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस मिक्सर टूथ ब्रश को यहाँ पर यूज करूंगा, ये देखें स्किन की रीटचिंग वेरी इजी मेथड है। थोड़ा सा फास्टली वर्क करूंगा क्योंकि थोड़े टाइम के अंदर आप लोगों के लिए कुछ बेटर देन चीजें लेके आऊं जो आप लोग इजी वे के मेथड के साथ जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इजी वे के मेथड के साथ जो है यहाँ पर इसके ऊपर भी मैं मिक्सर टूथ ब्रश को यूज कर लेता हूँ, वेरी इजी सा मेथड है। तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा, आज की वीडियो जो है आप लोगों के साथ ऐसी शेयर की है जो आप लोग अपनी आउटडोर पिक्चर्स को इनडोर पिक्चर्स के अंदर वेरी इजी मेथड के साथ जो है कन्वर्ट कर सकती हैं। तो यहाँ पर नोज के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पर भी ये देखें वेरी इजी मेथड है, मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच किया करें, ये देखें, ठीक है। तो यहाँ पर जो आउटलाइनिंग है वो भी आप लोगों के सामने कवर करूंगा, यहाँ पर भी ये देखें ठीक हो गया। तो अब गाइज इसके ऊपर जो है हमने इजीली अब फिल्टर एक इंक्रीज करना है, जैसे कि कैमरा फिल्टर के अंदर जाके इसके हाईलाइट को मैं थोड़ा कंट्रोल करता हूँ, बाद में इसके ऊपर एक्सपोजर का एक फिल्टर इंक्रीज करूंगा। तो आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि आउटडोर पिक्चर्स को इंडोर पिक्चर्स के अंदर कैसे आप जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हाईलाइट कम किया, शेडो को थोड़ा सा ज्यादा किया, लेकिन हाईलाइट ज्यादा कम किया तो फेस के ऊपर ज्यादा सा हाईलाइट कम हो रही है, ठीक है। यहाँ पर शेडो एक्सपोजर को कंट्रास्ट, यहाँ पर टेक्सचर थोड़ा सा क्लैरिटी, थोड़ी सी वाइब्रेंस इसके अंदर ऐड करें, ठीक है। एफएक्स इसके अंदर हम पहले ऐड करते हैं, ठीक है। एफएक्स ऐड किया और यहाँ पर जो है इसके कलर्स थोड़े से प्रीमियर को अप कर देते हैं, ठीक है। 15, 14, 15 यहाँ पर मैंने डन कर दिया, ठीक है। अब आते हैं कलर्स की तरफ, ठीक है। कलर्स के ऊपर स्किन के ऊपर ऑरेंज कलर है, यहाँ पर ऑरेंज को मैं टचअप करता हूँ, ठीक है। रेडनेस जो है हमारी शर्ट है, तो ये देखे रेडनेस कलर के अंदर कितना परफेक्ट हो गया है। येलो कलर का हमारा बैकड्रॉप है, तो ये देखे यहाँ पर मैं अगर इसको कम करता हूँ ब्लू को, तो ये थोड़ी सी अलहदा ग्रेस जो है हमारे सामने बन के आती है। तो थोड़ा सा यहाँ पर गाइस शेडो को भी थोड़ा सा ऐड किया करें, क्योंकि शेडो के अंदर भी आपकी पिक्चर काफी अच्छी सी लुक जो है जनरेट करती है। यहाँ पर ओके करता हूँ, तो ये देखें मैंने कैमरा फिल्टर के अंदर जो है इसके ऊपर थोड़ा सा फिल्टर इंक्रीज किया। अब जो है एक्सपोजर का फिल्टर इसके ऊपर यूज करूंगा और जो लुक जनरेट होगी वो भी आज आप लोगों के सामने प्रीव्यू करूंगा। तो ये देखें आउटडोर पिक्चर को इनडोर पिक्चर के अंदर आप इजी वे के मेथड के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है गाइस। तो सिर्फ आप लोग सपोर्ट करा के, तो इंशाल्लाह इससे रिलेटेड और भी अच्छी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। तो गाइस यहाँ पर जो है हमारा एक्सपोजर ओपन हो रहा है, ठीक है। पीसी थोड़ा सा स्लो है, उसकी वजह ये है कि मैंने यहाँ पर वेडिंग के थोड़े से एल्बम भी डिजाइन किए हैं और प्रीमियर प्रो पर काम कर रहा, तो वो सब्जेक्ट काफी ज्यादा बार रही है।
तो जिसकी वजह पीसी थोड़ा सा स्लो है, तो इसकी वजह से हमें थोड़ा सा टाइम के अंदर यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कंट्रोल आर करता हूँ, रीसेट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक ब्रांड का जो मैंने फिल्टर आप लोगों के साथ शेयर किया है उसका लिंक भी जो है ऊपर आइकॉन के बटन के अंदर आप लोगों को शो हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रांड का जो आप लोगों ने फिल्टर यूज करना है तो वो आप लोगों को ऊपर आइकॉन बटन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ब्रांड का फिल्टर यहाँ पर अप्लाई कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर जो मैं इसके ऊपर थोड़ी सी लाइट जनरेट करूंगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इधर लुक थोड़ी सी इसकी चेंज करते हैं गाइस, इसके अंदर थोड़ी सी चीजें ऐड करते हैं, जैसे कि ये चीज है, ठीक है। लाइट्स थोड़ी सी हमने यहाँ पर जनरेट करनी है, ये लाइट्स है, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, जूम करने के बाद इसे थोड़ा सा कम करता हूँ। इस साइड पर थोड़ी सी लाइट हमें चाहिए थी, ये देखिए, ठीक है। इसे थोड़ा सा लो, ये देखिए, काफी अच्छी सी लुक जो है यहाँ पर जनरेट होके आ रही है, ठीक है। यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो गाइस ये पिक्चर का बिफोर आफ्टर आप लोगों को शो करवाऊंगा, काफी फंटेस्टिक जो है पिक्चर इंक्रेज होके हमारे सामने आई है। तो इंशाल्लाह गाइस आप लोग सपोर्ट किया करें, वीडियो को एंड तक जरूर वॉच किया करें, क्योंकि ये वीडियो काफी फंटेस्टिक होती है। सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होता है, तो इंशाल्लाह आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो मजीद इससे रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा एक्सपोजर थोड़ा सा डैमेज हो रहा है, कहने का मतलब थोड़ा सा स्पीड स्लो कर रहा है। तो यहाँ पर एक्सपोजर का फिल्टर को फिर मैं अप्लाई करूंगा, ये देखें इजीली जो है हमारा फिल्टर इंक्रीज होकर हमारे पिक्चर्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो गाइज ये वेरी इजी मेथड है, आप लोग आउटडोर पिक्चर को इनडोर के अंदर वेरी इजी मेथड के अंदर कन्वर्ट कर सकती हैं। तो वेरी फंटेस्टिक जो है आज की वीडियो। तो इंशाल्लाह गाइज उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो यहाँ पर फिल्टर थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, टाइम थोड़ा सा लगा रहा है, तो मेरा दिल ये कर रहा है मैं थोड़ी सी वीडियो को स्किप कर दूं, क्योंकि जब फिल्टर अप्लाई होके आएगा तो इंशाल्लाह आप लोगों के सामने जो है पता चल जाएगा। तो गाइज यहाँ पर फिल्टर हमारा थोड़ा सा रह गया, पीसी काफी ज्यादा स्लो है, तो मुझे भी आज थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है पीसी के ऊपर कि आज पीसी मेरे साथ ड्रामे क्या कर रहा है, कि किस तरह की स्पीड है ये जो हमें पर व्यू कर रहा है। तो पहले कभी इस तरह कभी नहीं था हुआ, तो अभी जो है पीसी हमारा थोड़ा सा ठीक हुआ है, तो ये फिल्टर मैंने फिर अप्लाई किया है, तो वीडियो को स्टार्ट कर दिया। तो मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों के सामने वीडियो को स्किप मत करूँ, वीडियो को प्रॉपरली आप लोगों के सामने शो करूँ, क्योंकि जब आप लोगों के सामने प्रॉपरली सारी चीजें नीट एंड क्लीन शो करूंगा तो आप लोगों को भी ट्रस्ट होगा कि आप लोग भी अपनी फोटोग्राफी को मजीद अच्छा कर सकते हैं वीडियो को देख के। तो गाइज यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि ये देखिए पिक्चर के ऊपर मैंने फिल्टर लगाया, अब मैं आप लोगों को सारी पिक्चर का रिव्यू करवाता हूँ। हमारी फर्स्ट पिक्चर ये थी, ठीक है, ये आप लोग वॉच कर सकते हैं, फर्स्ट पिक्चर ये थी। इस हम पिक्चर को इस पिक्चर के अंदर कन्वर्ट किया, इनडोर के अंदर कन्वर्ट किया, अब इसके ऊपर हमने फिल्टर अप्लाई किया है। तो ये देख सकती है बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, ठीक है। तो कितना ज्यादा चेंजिंग यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने शो करवाई। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो गाइस डिस्क्रिप्शन के लिंक से ये पिक्चर आप लोगों को सैंपल के तौर पर मिल जाएगी, वहां पर आप लोग वॉच करके इसके ऊपर एडिटिंग करके सैंपल की जो पिक्चर है उसे एडिटिंग करके आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मेंशन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी सेंड कर सकते हैं, फेसबुक पेज के ऊपर भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह गाइस मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखें। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साथ बीबीसी, अल्लाह निगहबान।